नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव गंभीर और आप देख रहे हैं काव काव लखनऊ। आज हम फिर उसी नगर निगम बरेली के गेट के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको फिर बताना चाह रहे हैं कि कान्हा पशु उपवन में मर रही लगातार गायों को लेकर बरेली में सियासत लगभग तेजी से चल रही है। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि इस कान्हा पशु उपवन के संचालक पर कहीं ना कहीं प्रशासन शिकंजा कस सकता है और आज वही सच भी हुआ कि कान्हा पशु उपवन का संचालन कर रहे एनजीओ पर कार्रवाई शुरू हो गई है, मतलब उस पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश हो गए हैं। ऐसा बरेली के अखबारों में भी छपा है, सुर्खियां भी बनी है। हम वो कटिंग आपके लिए, आपके अवलोकन के लिए, आपके तसल्ली के लिए फिर से भेज रहे हैं खबर के साथ। हम आपको यह भी बता दें कि कान्हा पशु उपवन में जब गायें मरी थी तब बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने उसका निरीक्षण किया था और उनके साथ बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे, चैनल वाले भी पहुंचे थे साथी हमारे, और महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने मीडिया से मुखातिब होने के बाद साफ तरीके से कहा था कि जो गाय मरी है उनकी आंखें कौए दोच के ले गए, आंखें गायब हैं, कंकाल पड़े हुए हैं, जिससे साफ जाहिर था कि गाय एक दिन में नहीं मरी थी। यानी गाय पहले बीमार रही होंगी, फिर तड़प के मरी होंगी, फिर कई दिन उनकी लाश पड़ी रही होगी, तब कहीं कौओं ने उसको नोचा होगा, तब कहीं उनके अवशेष पड़े रहे होंगे। यानी जब कई दिन गाय मरी पड़ी रही तब संचालकों ने, कान्हा उपवन की देखरेख करने वाले लोगों ने इसकी इत्तला जिला प्रशासन को ये नगर आयुक्त को आखिर क्यों नहीं दी? काश अगर समय रहते वो इत्तला नगर निगम में जिला प्रशासन को मिल गई होती तो शायद ये दुर्गति कम से कम कान्हा पशु उपवन में बीमार पशुओं के साथ नहीं हुई होती। अब कार्रवाई शुरू हो गई है, परतें खुलना शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि गायों की अकाल मौत के पीछे कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी शामिल हैं। अब देखते हैं जांच में किसका नाम सामने आता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिलहाल हम आप खबर के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। बरेली में कई जगहों पर अभी भी गाय मंडरा रही हैं, स्मार्ट सिटी में अभी भी चौराहों पर कूड़ा पड़ा हुआ है जिसकी सुध किसी को नहीं है। केवल डेला पीर के चौराहे पर जरूर कूड़ा हटता हुआ दिखाई दिया, वहाँ एक कर्मचारी नगर निगम का ट्रालियों से कूड़ा साफ करा रहा था। देखिए हमारी संपूर्ण रिपोर्ट जिसमें आप देख पाएंगे कान्हा पशु उपवन से जुड़ा मामला, साथ ही शहर में स्वच्छता से जुड़ा मामला। देखते रहिए काव काव लखनऊ और मैं हूं आपका दोस्त संजीव गंभीर। देखिए आज की तस्वीर सीआरआई की दीवार, आईवीआरआई की दीवार के किनारे गौवंश और कचरे के बीच में तलाश रहे हैं भोजन, और कूड़ा भी ऐसा कि उठता नहीं है कई कई दिन। कचरे में आग लगाकर और प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है। एक तो बरेली में वैसे ही धुंद की चादर, प्रदूषण की चादर तनी हुई है और भाई कचरे में आग लगा के इसे सुलगाया जा रहा है। तमाम कचरा कचरा ही कचरा। हाँ भैया, सुनील, हमारा नाम सुनील है भैया। यहाँ पर क्या चल रहा है आप डलाव घर पे? डलाव घर पे जितने भी है बाहर की जो गाड़ियाँ आती है पूरे शहर की, ये सबसे मुख्य डलाव घर है, सबसे बड़ा डलाव घर है, तो पूरे शहर का कूड़ा यहाँ आता है। तो मैं सारा का सारा ये व्यवस्थित अंदर मैं डलवाता हूँ कि रोड पे ना जाए, तो रोड पे आने जाने वालों को दिक्कत होती है, पूरा रोड तक आ जाता है। तो मैं सारा का सारा व्यवस्थित करके अंदर ही मैं डलवाता हूँ जिससे कि अव्यवस्था ना फैले। सारे राजेंद्र नगर चौराहे पर रखा कूड़ा कचरा जो किसी सफाई कर्मचारी को दिखता नहीं, ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा है और सबसे टैक्स देने वाला क्षेत्र कहा जाता है ये राजेंद्र नगर। टीडीपुरम का चौराहा दिखा रहा हूँ और जिस पर गंदगी कूड़ा सजा हुआ है, ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री की, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी आप?